सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट अपोलो 11 लूनार मिशन को लेके है, जिसे 1969 में लॉन्च किया गया था और इसके बदौलत ही इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा था। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मिकल कॉलिंस और एडविन बज शामिल थे। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच स्पेस रेस चल रहा था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ने चांद पे ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करके रशिया को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद कई बार ये बात सामने आई थी कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो मून लैंडिंग किया गया था ये फेक था, और इसमें जो भी पिक्चर्स और विजुअल दिखाए गए थे ये सब आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। और इसी की जांच करने के लिए अभी रशिया की नेशनल स्पेस एजेंसी रोस्मोकोस की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया है। रोस्मोकोस के चीफ दिमित्री रोजगिन ने कहा है कि वो अभी इस बात की जांच करने वाले हैं कि सच में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से चांद पर लैंड किया गया था या फिर दुनिया के सामने एक झूठ को पेश किया गया था। अगला अपडेट ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके। आप सबको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से शुरू हुआ है और उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। आमतौर पर नदी की पानी बिल्कुल साफ होता है और सिर्फ बारिश के सीजन में ही इसकी टर्बिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लेकिन एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो वाटर है वो अभी बहुत ही ख़राब हो चुकी है और इसकी जो टर्बिडिटी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। मतलब ये पानी बिल्कुल भी साफ नहीं होता है और इसमें तेल की भी मात्रा पाई जा रही है। इसका डायरेक्ट असर ब्रह्मपुत्र बेल्ट पर रहने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। इसकी पानी खराब होने की सबसे बड़ी वजह तिब्बत रीजन में चाइना के द्वारा किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटी है, जिस वजह से पानी में ऑयल और सीमेंट वगैरह मिक्स हो रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर की पानी को डाइवर्ट करने के लिए अभी चाइना के द्वारा टनल्स को भी बनाया जा रहा है, और अगर इस तरह की एक्टिविटी पर रोक नहीं लगाई जाती है तो आगे चल के इसका प्रकृति पर और ब्रह्मपुत्र बेल्ट पर रहने वाले सारे लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेके। 2-3 दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि रशिया की इगला एस सिस्टम को हमारे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की टेंडर में सिलेक्ट किया गया है। लेकिन इस टेंडर में जो और कंपटीटर्स थे उनकी तरफ से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास कंप्लेन किया गया है कि इगला एस सिस्टम टेस्ट के दौरान आर्मी की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हुआ था, तो इसे किस बुनियाद पर सिलेक्ट किया गया है। साहब की तरफ से बताया गया है कि जब इसे 2012 में राजस्थान में टेस्ट किया गया था तो तब 4 में से इसने सिर्फ एक ही बार ही अपनी टारगेट को हिट किया था। वहीं पर जब नेवी की तरफ से इसे बे ऑफ बंगाल में टेस्ट किया गया तो 2 बार में से इसने सिर्फ एक ही बार अपनी टारगेट को हिट किया था, और ओवरऑल 6 में से इसने 2 बार ही अपनी टारगेट को हिट किया था। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें 6 में से कम 4 बार टारगेट को हिट करने की जरूरत है। और साहब और एमबीडीए की आरबीएस 70 और मिस्टल सिस्टम ने 4 से ज्यादा स्कोर किया था, तो किस वजह से रशियन सिस्टम को सिलेक्ट किया गया है इसको लेके अभी सवाल उठाया जा रहा है। और 2014 में जब इसका टेस्ट हुआ था तब भी ये बुरी तरह से फेल हो गया था और तब इसे टेंडर से बाहर हो जाना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने फिर भी रशियन सिस्टम को क्यों चुना है, इस बात को लेके अभी साफ की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बिडिंग प्रोसेस की बात करें तो उस दौरान रशिया की तरफ से बस $1.5 बिलियन ही बिड किया गया था। साहब ने करीब $2.6 बिलियन और एमबीडीए की तरफ से $3.7 बिलियन बिड किया गया था, और इस टेंडर के लिए इंडिया की तरफ से $2 बिलियन का बेंचमार्क प्राइस रखा गया था। तो शायद इसी वजह से रशियन सिस्टम को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन प्राइस के चक्कर में परफॉर्मेंस को इग्नोर करना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, और इस बारे में आप सबका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट करतारपुर कॉरिडोर को लेके। मैंने 1-2 दिन पहले आप सभी से कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अभी करतारपुर कॉरिडोर को शुरू करने वाले हैं। इंडिया की तरफ से पहले इस पर काम करना शुरू किया जा चुका है और पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी शुरुआत होने वाली है। पाकिस्तान की तरफ से इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जी को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए सुषमा स्वराज जी की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद कुरैशी साहब को शुक्रिया अदा किया गया है, लेकिन कुछ जरूरी कारणों की वजह से वो इस समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनके बदले अभी यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर और हरदीप सिंह पुरी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। अगला अपडेट डिफेंस कॉरिडोर को लेकर। यूपी गवर्नमेंट को अभी 7 कंपनीज की तरफ से करीब 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया गया है। इन 7 कंपनीज में से 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं और 4 प्राइवेट कंपनीज हैं।
पीएसयू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है और प्राइवेट कंपनीज में से एमक्यू लिमिटेड, भारत फॉग, पीटीसी लिमिटेड और बोइंग इंडिया शामिल है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से गुरुवार को यूपी डिफेंस कॉरिडोर को लेकर लैंड एलोकेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर एक रिव्यू किया गया था। अभी ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि लैंड एलोकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जा चुका है और जल्द ही इसको शुरू किया जाने वाला है। एचएल की तरफ से इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और एचएल करीब 1200 करोड़ तक इन्वेस्ट करने वाला है, जिनमें से 750 करोड़ लखनऊ में, 250 करोड़ कानपुर में और 200 करोड़ कोरा में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से करीब 1076 करोड़ इन्वेस्ट किया जाने वाला है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से 240 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा और इसके लिए आगरा में लैंड को भी सिलेक्ट किया जा चुका है। एमक्यू की तरफ से सोल्जर के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है और ये करीब 900 करोड़ तक इन्वेस्ट करने वाली है। वीएफआई 200 करोड़ और पीटीसी पहले ही 240 करोड़ तक इन्वेस्ट कर चुकी है और फ्यूचर में ये और भी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।